हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के पनाह में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ खुनाफा। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी दूध, दूध मैंने 1 लीटर ले ली थी। और इस पे मैं डालूँगी मिल्क पाउडर और मैं इसमें ऐड कर लूँगी 3 चम्मच शक्कर। इसे हमें ठंडा ही, मतलब दूध को मैंने गर्म करके ले ली थी, फिर मैंने थोड़ा ठंडा कर दी थी रूम टेम्परेचर पर। और फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना बने इसलिए हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। वैसे भी कॉर्नफ्लावर तो घुल ही जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको रख देंगे गैस पे, स्लो पे, फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे हम। और तब जो मैंने जो दूध की जो तपेली है ना फ्रेंड, जो बर्तन है उसको मैंने जाड़ी ली हूँ ताकि हमारे जो नीचे लगे ना। और इसको कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है, अच्छी तरह से चलाना है, वरना इसके गट्ठे भी जम सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है। तो इसको अच्छी तरह से चलाते ही रहना है, नज़र इधर उधर मत डालना वरना नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से हो गया, एकदम घट हो गया था ये, जैसे मुझे खुनाफे के लिए जो अंदर की जो क्रीम होती है ना वैसा वाला। तो इसको मैं ना अच्छे से इसको पकाई हूँ, फिर मैं इसमें डालूँगी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, जैसे 2 चम्मच जैसा डालेंगे। और मैंने इसको गरम में डाली फ्रेंड, ताकि इसके जो दस्य आए वो ऐसे खाने में आए। और ये मैंने क्रीम चीज़ ले ली थी जो कि किधर भी अवेलेबल मिल जाएगा, ये सॉल्टेड नहीं है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने अच्छी तरह से बटर लगा लियो, आपके पास 2 पैन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये शेव जो है ना, ये मैंने मोहम्मद अली रोड से लेके आ गई थी, इसको अच्छे से डाल के कवर करके उसके अंदर जो हमने बनाए थे वो डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको पैक कर ली थी। और इसको मैंने अल्टी पल्टी एक बार करी थी, अब इसको दूसरी बार मैं ये वाले पैन में करूँगी। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारी चाशनी। चाशनी आप इजीली आपको पता होंगे, पानी और शक्कर से जो ज़्यादा पकाना नहीं हमें, बस थोड़ा थोड़ा पका के फिर इसमें डाल देंगे ऊपर से, और इसको 5 मिनट तक रखेंगे। और ये बहुत टेस्टी बनाता फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने लॉलीपॉप भी बनाई थी शायद। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपको नज़र आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़। दो हमें याद रखना।